डियर स्टूडेंट, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को इसी मोटिवेशनल लाइन से और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, राइट। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने कंसेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आपको कंसेप्ट वीडियो पहले देखना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज, क्योंकि कंसेप्ट वीडियो में मैं एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर करता हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट, फॉर्मूला वहाँ पे कैसे ड्राइव होता है, राइट, ये सारी चीज़ें देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट, प्रॉब्लम नंबर ए बी सी डी, चार प्रॉब्लम है, राइट। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2/7 पे जो एक्सपोनेंट है 3 है और 1/2 पे एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो एक एक करके देखते हैं। तो ये इसको क्या लिखेंगे, 2 पे भी आपको तो पता है कि अगर अगर रेशनल नंबर पे एक्सपोनेंट, अगर जो भी एक्सपोनेंट रहता है तो वो 2 पे भी रहता है और 7 पे भी रहता है। तो ये 2 पे भी है, राइट, और जो ये रेशनल नंबर 3 है, सॉरी, जो 2/7 रेशनल नंबर है, तो ये जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो नोमिनेटर पे भी 3 है और 7 पे भी ये एक्सपोनेंट 3 है, तो ये 7 पे भी हो गया 3, समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 पे भी ये 3 है एक्सपोनेंट और 2 पे भी है, क्लियर है, क्योंकि पहले से ही फॉर्मूला हमने इसको देख लिया है, राइट। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। देखो तो अब ध्यान से देखो, ये 2 पे एक्सपोनेंट 3 है ये, और ये भी 2 पे पावर 3 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। तो बच क्या गया, 1 पे एक्सपोनेंट 3 और 7 पे एक्सपोनेंट 3 बचा, क्लियर है, समझ में आया। देखो ये दोनों क्या हो गए आपस में, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 7 का क्यूब, यानी कि 7 × 7 × 7, दैट मीन्स कि 1/343 आपका फाइनल आंसर होगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो 7×7 = 49, आप 49 को 7 से करोगे तो 9×7 = 63, ये रहा 3, कैरी रहा 6, और 7×4 = 28 में आप 6 को ऐड करोगे तो 34 मिलेगा आपको, क्लियर है। तो 343 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था प्रॉब्लम नंबर ए। अब प्रॉब्लम नंबर बी को देखते हैं, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर ए, अब हम लोग किसको देखते हैं, बी को, ठीक। तो देखो 4/5 और एक्सपोनेंट है 4, 5×5 × 5/4 एक्सपोनेंट है 2, तो वैसे ही कर लेते हैं। 4 पे भी एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, और 5 पे भी एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, क्लियर है। मल्टीप्लाई, 5 पे क्या है एक्सपोनेंट, 2 है, राइट, यहाँ पे क्या है, 4 पे एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, बातें समझ में आ गई। ओके, अब ध्यान से देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 4 square × 4 square, क्लियर है, बाय 5 पे एक्सपोनेंट 4 है, तो इसको भी लिख सकते हैं ना 5 square × 5 square। देखो होता क्या है कि ये फॉर्मूले से काम करता है, a^m × a^n, तो क्या होगा, क्या होता है, a^m + n हो जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2 अगर बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, अगर बेस सेम सेम हो तो एक्सपोनेंट ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक। तो देखो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 4 4, तो देखो यहाँ पे बेस और बेस सेम है, तो बेस तो मैंने लिखा ही, तो देखो ये दोनों बेस सेम है, तो ये बेस हो गया, क्लियर। अब देखो 2 + 2, यानी कि दोनों पावर को क्या करना है, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड करना है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि आप ये 4^ जो एक्सपोनेंट है ना, 4 पे एक्सपोनेंट 4 जो है, उसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, बातें समझ में आ गई, ठीक है। कौन से फार्मूला से लिखा मैंने, ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा उससे लिखा मैंने, और ये हो गया मल्टीप्लाई, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, राइट, और ये हो गया 4 square। अब ध्यान से देखो, ये 5 square से 1 5 square नीचे खत्म हो गया, 4 square से 1 4 square खत्म हो गया, इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको ब्रेक कर दिया था, क्लियर है, उस फॉर्मूले के हेल्प से। तो देखो अब मेरा बच क्या गया, ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो ये रहा 4 का स्क्वायर और ये रहा 5 का स्क्वायर, क्लियर है।
फोर का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया 16, और फाइव का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर है, फाइव का स्क्वायर क्या हो गया 25। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर बी, बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे देखो कटेगा तो काटेंगे, सब नियम कानून लगा देना है। क्लियर है, कंसेप्ट वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर कंसेप्ट क्या है। बातें समझ में आ गई? ओके, ऑल राइट। प्रॉब्लम नंबर सी में है तो देखो जरा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। इसको तो ऐसे रहने देते हैं माइनस फाइव पे पावर थ्री। क्लियर है, और ये डिवाइड में है, ठीक है। तो एक मिनट ना, इसको और अच्छे से, ये रहा माइनस फाइव पे पावर, ये रहा थ्री। देखो इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। और ये डिवाइड का मतलब ये बाई हो गया, और ये आ गया माइनस वन बाई टू, और ये हो गया स्क्वायर, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब चलो अब ध्यान से देखो कैसे कैसे सॉल्व होगा, कैसे हम लोग इसे सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। क्लियर है, ओके। सॉरी यहाँ पे फाइव है ना, ये फाइव होगा, वन बाई फाइव होगा यहाँ पे, ठीक है, वन बाई फाइव, ठीक, ओके। अब चलो माइनस फाइव, माइनस फाइव पे मैंने थ्री लिखा, ये रहा बाई, और नीचे वाले को करते हैं। देखो ये टू जो है इस पर भी है, और ये टू जो है यहाँ भी है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, ठीक। तो हम लोग इसको अगर और भी अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, माइनस वन, ये देखो ये माइनस वन, और फाइव को अगर ऊपर लेके आते हैं, क्या कहा मैंने, फाइव को अगर ऊपर लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई फाइव का कुछ ऐसे हो जाएगा, फाइव का पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, फाइव पे क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये कुछ यूं हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर। बातें समझ में आ गई? सर ये कैसे किया आपने, देखो ये माइनस वन को एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई, और फाइव पे पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है कि ये वन बाई फाइव है। क्लियर है, ठीक है, वन बाई फाइव, क्योंकि जब पावर निगेटिव में होता है तो ये वन बाई फाइव के रूप में रहता है। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब चलो अब आगे देखो और आगे क्या कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो ये माइनस फाइव और पे पावर थ्री रहा, और देखो ये टू जो है अब इस पर भी आएगा, तो ये रहा माइनस वन पे स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई, और ये इस पर भी आएगा, तो माइनस फाइव पे पावर तो माइनस वन तो पहले से है, और ये रहा स्क्वायर। क्लियर है, ठीक, ये माइनस वन तो पहले से है ही, क्लियर, और ये स्क्वायर इस पर आ गया, तो लास्ट माइनस फाइव पे पावर ये रहा थ्री। और आपको पता है कि जब माइनस वन पे इवन नंबर होता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस वन हो जाता है, मल्टीप्लाई फाइव, और देखो माइनस वन मल्टीप्लाई टू, क्योंकि देखो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, तो फाइव पे पावर क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। क्लियर है, फाइव पे पावर क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। क्यों हुआ आपको पता चला, क्योंकि पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, ओके। इसीलिए बोलता हूँ कंसेप्ट वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये रहा माइनस फाइव आपका, क्लियर, ये माइनस फाइव ये रहा पे पावर ये थ्री है ही, क्लियर है। और यहाँ पे देखो वन को मल्टीप्लाई करोगे फाइव के, फाइव पे पावर टू से, तो एज इट इज यही का यही नंबर रहेगा, तो फाइव पे पावर माइनस टू, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं तो माइनस फाइव राइट और पे पावर थ्री है, और फाइव पे पावर माइनस टू है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस फाइव बाई, ये फाइव पे पावर माइनस टू है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है वन बाई फाइव स्क्वायर, वन बाई फाइव स्क्वायर, ठीक है, और ये तो है ही थ्री, क्लियर है। अब चलो देखो जरा इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को आप लिख रहा हूँ माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव, और ये रहा थ्री, और ये रहा आपका वन बाई फाइव स्क्वायर, क्लियर। तो देखो ये थ्री यहाँ भी आएगा और ये यहाँ भी आएगा, तो माइनस वन पे पावर थ्री मल्टीप्लाई फाइव पे पावर थ्री बाई, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, वन बाई फाइव स्क्वायर हो गया, वन बाई फाइव स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो माइनस वन पे पावर क्या है, थ्री है, इसका मतलब माइनस में ही होगा वन मल्टीप्लाई, और ये फाइव पे पावर थ्री, इसका मतलब कितना हो जाएगा, फाइव पे पावर थ्री रहेगा, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या चलेगा, वन बाई फाइव स्क्वायर, है ना। यहाँ पे थोड़ा जगह का मुझे दिक्कत हो रहा है, वन बाई फाइव स्क्वायर मैंने लिखा है, ये याद रखना आप, वन बाई फाइव स्क्वायर, ठीक है। हालांकि मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ अच्छे से,
क्लियर है। चलो मैं इस जगह को यूज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो देखो माइनस वन के पावर में ऑड नंबर है, इसका मतलब ये तो ऐसे ही रह जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया फाइव पे पावर थ्री, तो ये रहा फाइव पे पावर थ्री, क्लियर है। अब ये क्या है, ये कुछ ऐसे है वन बाई फाइव स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको देखना कि अब क्या हो रहा है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव पे पावर थ्री, अब क्या देखो ये नीचे में नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, तो ये फाइव स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या बच जाएगा वन, नीचे में क्या बच जाएगा वन बच जाएगा, क्लियर है। तो ये नियम है आपका, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ए है यहाँ पे बेस क्या है, ये फाइव है, और यहाँ पे बेस क्या है फाइव है, तो ये देखो ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन, क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, राइट, यहाँ पे ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा ए टू द पावर एम प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो माइनस वन ये हो गया मल्टीप्लाई, अब बेस तो वही रहेगा, और थ्री प्लस टू, और नीचे में वन है तो कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। ये रहा तो माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव पे पावर, और ये रहा फाइव, फाइव पे पावर कितना हो जाएगा जी, थ्री प्लस टू फाइव होगा, फाइव पे पावर फाइव, क्लियर है। अब फाइव पे पावर फाइव का मतलब क्या हुआ, अब बताओ मुझे, यानी कि फाइव जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई, फाइव टाइम, क्लियर है, थ्री फोर फाइव। तो चलो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, और वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव जा, देखो वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव जा क्या होगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, क्लियर है। फाइव टू जा टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व कैरी वन, फाइव वन जा फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, अब सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को फिर फाइव से करो, तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव कैरी रहा टू, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, क्लियर, अगेन सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी प्लस सॉरी थर्टी प्लस वन थर्टी टू, क्लियर है, सॉरी थर्टी प्लस वन थर्टी वन, सिक्स फाइव जा थर्टी, और थर्टी में वन ऐड करेंगे तो थ्री वन टू फाइव, राइट। तो क्या आया देखो फाइनल मेरा आंसर, देखो ये तीनों को इन पांचों को मल्टीप्लाई, फाइव पे पावर फाइव का मतलब फाइव टाइम मल्टीप्लाई मैंने किया, जब फाइव पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया थ्री वन टू फाइव आया, बातें समझ में आ गई, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया मिटा लिया, ठीक है। तो क्या आया थ्री वन टू फाइव आया, लेकिन माइनस में आया, माइनस में थ्री वन टू फाइव, ये मेरा आपका क्या आया फाइनल आंसर आया। तो देखो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए कुछ ये स्टेप था जिसको हमने फॉलो किया, तो यहाँ से ये ऐसे बना, फिर ये है, उसके बाद यहाँ से ये जो बॉक्स में मैंने किया है, फिर ये है, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद हम लोग मूव होंगे कौन से आपके लास्ट प्रॉब्लम जो है उस पर मूव हो रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव हो रहे हैं प्रॉब्लम नंबर जो कि आपका पहला का ही डी है उस पर, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दे रखा है, थ्री बाई फोर पे पावर एक्सपोनेंट थ्री दिया है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, थ्री पे पावर भी क्या है, यहाँ पे थ्री है, इस पे भी नोमिनेटर पे भी थ्री है, और फोर पे भी क्या है थ्री है, कुछ यूँ है, क्लियर है, मल्टीप्लाई, क्लियर। अब देखो ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस वाले को मैंने क्या बताया था कि माइनस में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है सीधा, ये क्या हो जाता है टर्न हो जाता है, यानी कि नोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो ये फोर बाई थ्री ऐसे हो गया, और इसका जो एक्सपोनेंट हो गया ये पॉजिटिव बन जाता है, ये कौन से फॉर्मूले से था, ये आपका था अगर a बाई बी पे पावर अगर माइनस m रहता है, राइट, तो क्या हो जाता है आपका b बाई a हो जाता है, और पावर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ये जो एक्सपोनेंट हो जाता है वो पॉजिटिव, बस ये चेंज हो जाता है, पलट जाता है, तो इससे ये आ गया, क्लियर है, ठीक। तो चलो अब देखो यहाँ पे थ्री पे ये पावर थ्री है, और ये फोर पे पावर थ्री है, मल्टीप्लाई यहाँ देखो फोर पे पावर कितना है फाइव, क्लियर है, थ्री पे पावर कितना है फाइव, है ना, समझ में आया, जो रहेगा वो यहाँ पे डाल दिया हमने, क्लियर है। अब चलो यहाँ देखो थ्री पे पावर ये रहा थ्री, और फोर पे पावर ये रहा थ्री, मल्टीप्लाई देखो पावर यहाँ पे ये ज़्यादा ज़्यादा है, यानी कि एक्सपोनेंट ज़्यादा ज़्यादा है, तो देखो ये फोर पे ऐसे लिख सकते हो ना, फोर पे पावर थ्री मल्टीप्लाई फोर पे पावर टू, देखो बेस सेम हो गया, तो बेस जब सेम हो जाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लियर है, इस वाले फॉर्मूले से ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, इस फॉर्मूले से देखो
बेस दोनों का सेम है तो ए ए बेस है तो ए हो गया, और दोनों जोड़ोगे तो रिजल्ट मेरा यही मिलेगा। तो देखो बेस क्या हो गया, 4 4, तो 4 हो गया, और दोनों का जो ऐड कर दो इन दोनों का एक्सपोनेंट तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 5। यानी कि 4 पे पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। उसी तरह से 3/5 को भी आपको क्या करना है, वैसे ही लिख लेना है। कैसे लिखोगे, 3 पे पावर 3 × 3 का² है ना, समझ में आया। बस मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम रखना है, और इन लोगों को कुछ ऐसे अरेंज कर, मैं इसलिए ऐसा अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये कट जाए। देखो 4 पे पावर 3 कैंसिल हो गया, 3 पे पावर 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बस ये बचा 4 का² 3 का² स्मार्ट वर्क करना है आपको। तो ये रहा 4 का² / 3 पे² बेसिक्स वीडियो जो है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंसेप्ट वीडियो। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। ये कौन से फॉर्मूले से हुआ वो पूरा क्लियर हुआ, यहाँ भी आपको क्लियर होगा कि ये कैसे हो गया, 3/4 था और यहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस में था, राइट। तो यहाँ पे कैसे ये चेंज हो गया, तो कुछ यही ये फार्मूला होता है, है ना, क्या होता है ये चेंज हो जाता है और ये जो एक्सपोनेंट होता है वो प्लस में पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर है। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ गया, 4² दैट मीन्स कि 16 हो गया, यानी कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 × 4, और 3² यानी कि 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, क्लियर है। ये कुछ ऐसे रहता है, 4² यानी कि 4 × 4, और 3² मतलब कि 3 × 3, इसका मतलब 4 × 4 यानी कि 16, और 3 × 3 यानी कि 9, ये आपका आंसर हो गया। बातें समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये 16/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर पहला का डी का, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में, क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। एक्सपोनेंट का फॉर्म कैसे आता है, जैसे देखो 3 और ये मैंने 4 लिख दिया, 3 to the power 4 लिख दिया, मतलब कि ये जो 4 आया एक्सपोनेंट के फॉर्म में, जैसे -3/2 और ये मैंने लिख दिया 4, राइट, या 3 कुछ भी, तो राइट ये ऐसा फॉर्म में आपको बताना है इन सभी प्रॉब्लम को, क्लियर है। समझ में आ गया होगा कि क्या करना क्या है हमें, राइट। देखो मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान सा एक फंडा ये है कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक है कि आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाओगे। आपको प्रॉब्लम क्या कह रहा है, राइट, आपको यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, यही चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी जीवन में उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कंसेप्ट यहीं से है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम हमसे आस्किंग क्या है, राइट। चलो देखो ज़रा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है -25/49, तो -1 मैंने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई ये रहा 25/49, कुछ ऐसे लिख लिया मैंने, क्लियर है। तो देखो इस तरह का जब प्रॉब्लम आए कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके बताओ, तो आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। आप लोग शुरू से अगर वीडियो देख रहे होगे चैप्टर 1 से, तो वहाँ पे मैंने सिखाया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, क्लियर है। नहीं तो आप नहीं देखे हो तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, राइट, चैप्टर 1 से, ठीक है, ओके। तो देखो 25 को देखो -1 × 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं, क्लियर है, ओके। -1 × ये सब में इक्वल भी देते चलिए ज़रा, -1 × 5 × 5 यानी कि 5 2 टाइम है, तो 5² लिख सकते हैं, 7 × 7 यानी कि 7² लिख सकते हैं। तो देखो एक्सपोनेंट में आ गया, और इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो -1, क्लियर है, और ये रहा 5/7, और ये ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज करते हुए, और देखो दोनों पे एक्सपोनेंट क्या था, 2 और 2 था, इसलिए 2 मैंने दे दिया। अगर एक्सपोनेंट दोनों इक्वल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके नहीं डाल सकते थे, क्लियर है। एक्सपोनेंट मेरा क्या हुआ, दोनों का इक्वल था, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को बंद करके ब्रैकेट क्लोज करके फिर उस पर 2 डाल दिया, क्लियर है। अब देखो -1 इससे मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, ये रहा माइनस, और ये रहा 5/7, और ये रहा 2, हो गया आंसर। बातें समझ में आ गई, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये पहला का आंसर था। अब दूसरा का आंसर देखो कैसे होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो 27 है, तो इसको 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लगा लेना, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। देखो 125 का क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 5, क्लियर है ना, ये ऐसे लिख लिया मैंने, ओके। 3 × 3 × 3 यानी कि 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो कितना 3 पे कितना आ जाएगा,
एक्सपोनेंट 3 आ गया, 5 पे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो दोनों का एक्सपोनेंट 3 है, इस 3 का भी एक्सपोनेंट 3 है, 5 का भी एक्सपोनेंट 3 है, तो क्या होगा 3/5 ब्रैकेट क्लोज और उस पर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर बी का आंसर, ठीक है, ये बी का। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर सी क्या है, 729/64, राइट, ये प्रॉब्लम है। तो देखो हमें नहीं पता चल रहा है कि ये कैसे जाएगा, क्या होगा इसका, तो क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 729 को कुछ ऐसे लिख लेना है, राइट। तो सबसे पहले हमें देखो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 अगर 8 इन पांचों में से कोई रहता तब जाता ये 2 से, लेकिन ये जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा 3 से देखना पड़ेगा। तो 3 से जाएगा, देखो 9 और 7+2 ये भी 9 होता है, तो 9+9 18 हो गया, देखो इन सभी डिजिट को ऐड करो तो 18 होगा, क्लियर है। 7+2 9, 9+9 18 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 729 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा 3 से, क्लियर है। ये है 3 से डिविजिबिलिटी का नियम, ठीक है, ओके। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, क्लियर है। अगेन आप यहाँ पे देखो 4+3 7, 7+2 9, या इसका मतलब है कि फिर से 3 से जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कंप्लीट करना है, चलो तो देखो 3 8 जा 24, 3 1 जा, अगेन 3 से जाएगा, 27 जा में, अगेन 3 से जाएगा, कितने जा में 9 जा में, अगेन 3 से जाएगा, कितने जा में 3 जा में, अगेन 3 से जाएगा, कितने जा में 1 जा में। तो देखो ये मैंने क्या कर लिया, कंप्लीट प्राइम फैक्टराइज कर लिया, क्लियर है। तो ये 729 का किया, उसी तरह से 64 का कर लेता हूँ, ये रहा 64, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहा हूँ। 2 से लगाते हैं, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 3 जा 2 जा, अगेन 2 से कितने जा में 16 जा में, अगेन 2 से कितने जा में 8 जा में, अगेन 2 से कितने जा में 4 जा में, अगेन 2 से कितने जा में 2 जा में, अगेन 2 से कितने जा में 1 जा में, क्लियर है। तो देखो ये कुछ ऐसे आया। तो देखो 729 को क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आया है, तो देखो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख दिया, ठीक है। अब 64 को कितने टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 6 टाइम लिख लिया मैंने, राइट, ठीक है। 729 का ये रहा और 64 का ये रहा, क्लियर है, ये मैंने लिख लिया, ये इक्वल का साइन है, ये निगेटिव नहीं है, है ना, चलो ठीक है। चलो देखो जरा, अब ये 3 to the power 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है 6 टाइम है, तो ये पावर 6, 2 जो है 6 टाइम है पावर 6। अब क्या ये दोनों का पावर क्या है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये 6, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था, एक्सपोनेंट में हमें दिखाना था इन सबको, तो ए बी और ये सी, राइट। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आए इस पे बेस्ड, और जब आपको मालूम नहीं चले, राइट, जब आपको मालूम नहीं चले कि आखिर इसका क्या होगा कैसे होगा, तो बस वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है तो वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, क्लियर है। उसके बाद फिर लिख देना उसका जो भी ये मल्टीपल आता है, राइट, ठीक है। और इसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक करके उसके बाद कुछ ऐसे ही आपको बनाना है, राइट। तो आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज 3.2 को काफ़ी अच्छे से अभी पहला और दूसरा को देखा पढ़े होगे, राइट, आपने सीखा होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय। और यही जो चैप्टर रहेगा कंटिन्यू रहेगा, इसी का एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगा, सो टेक केयर एंड बाय बाय।